और क्या कहे जी, आज दोपहर में खाए हैं सतुआ, सतुआ प्याज और चटनी, आम का चटनी, मजा आ गया। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आयुष थोड़ा इधर आओ तो, तुम इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, इधर इधर आओ, देख लीजिए भाग रहा है, देख लीजिए मिट्टी लगाया है तो भाग रहा है। अभी सुबह सुबह उठा और उसके बाद इधर उधर बैठा है, उसमें भी पूरा मिट्टी लगा लिया है पैंट में। तो मिट्टी लगा है तो इस पे बैठना जरूरी है, तो कुर्सी नहीं ला सकते हो? देखिए देखिए अपना ब्लॉग किस तरह स्टार्ट करते हैं, थोड़ा अब तुम बोलो तो। तो इतना धीरे धीरे बोलोगे, थोड़ा अच्छा से बोलो। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। हाँ तो अभी क्या कर रहे हो? कुछ नहीं कर रहा। वो बकरी कौन चरा रहा है? उधर बकरी है, उसको कौन चरा रहा है? नानी। नानी चरा रही है? हाँ। कौन नानी? तुम्हारी नानी है? आयुष का भैंस इधर है, लो इधर है, तीनों इधर है। हाँ देखिए, दो दिख रही है लो, और एक का पता किधर है, एक इधर है, हाँ एक इधर है, और हम लोग इधर बैठे हैं लो। आयुष, गर्मी लग रहा है कि नहीं? ठंडा लग रहा है, ठंडा लग रहा है, ठंडा। तो जाओ जैकेट पहन लो, जाओ उठो, हाँ उठो 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 उठो। मेरा नया जैकेट नया था ना। हो जा, कुछ तरह जा रहे हो, गिरोगे नहीं? ना। अभी गिरने से बचे हो, हाँ। अभी आपको एक और चीज दिखा रहे हैं, ये दिखाया जाता है जी, ये रात को ही पूरा ढलाई हुआ है, ऐसे बोल रहे थे ना कि छज्जा और ढलाई होगा, फाइनली छज्जा पूरा ढलाई हो चुका है। आयुष उस पे मत चढ़ो अभी, वो नहीं नहीं रात को हुआ है, इस पे चढ़ोगे तो अभी ये सही नहीं हुआ है ना, इधर उधर हो जाए। नहीं हटो, हम चढ़ सकते हैं, हटो तुम मत चढ़ो, हम यहीं से दिखा सकते हैं। देख लीजिए जी, इधर हो गया है, यहाँ से लेकर पूरा इधर ढलाई हो गया है अपना छज्जा, और इस पे रह गया अब सिर्फ जुड़ाई होगा। ये जैसा ईंट जुड़ाया है ना, सिर्फ इसी पे अब इतना ईंट जुड़ाएगा, तो वो देखिए तो अभी दो तीन दिन बाद ही स्टार्ट होगा। आयुष ये डिजाइन सही है, देखो तो खराब है, खराब है, कितना दिए, कितना माटी दिए, तो वो फिर निकल जाएगा, निकल जाएगा, नहीं जो ईंट लगा है ना वो निकल जाएगा, वो ईंट जो है ना वो निकल जाएगा, सिर्फ उस पे ऐसे वो फोम है ना वो सब निकल जाएगा। अभी वो ईंट लगा है तो इसको खराब लग रहा है, ऐसे बाद में सही दिखेगा। इधर दिखाते हैं आयुष का घर, देख लीजिए। आयुष ये बनाया है, ऐसे इसी में खेलता है, छोटा छोटा लड़का है लो ना, ये सब यही सब करता है। आने वाले समय में पूरा खेती होगा ना, तो ये सबको ऐसा अभी सब खेत जोतना स्टार्ट हो गया है। क्या ही कहा जाए, सुबह सुबह ऐसे कुछ हवा भी नहीं लग रहा है, थोड़ा बहुत लग रहा है। गर्मी हो रहा है कि ठंडा लग रहा है? अभी सुबह अभी उस समय बोल रहा था ठंडा लग रहा है, फिर बोल रहा है गर्मी हो रहा है, यानी पूरा अच्छा से गर्मी हो रहा है, ठंडा नहीं लग रहा है। चलो ये क्या कर रहे हैं आयुष? हैं ये छज्जा ढलाई कर रहे हो? चलो चलो आ जाओ, इधर बर्तन धुला रहा है तो धुला भी गया है, और इस साइड की तरफ हम सुबह सुबह कपड़ा धो रहे हैं जी। ऐसा सुबह का टाइमिंग हो रहा है, उसके बाद भी बहुत ज़्यादा गर्मी लग रहा है। मुंह धोकर उसके बाद चलते हैं, ऐसे नहा लेते हैं, सुबह सुबह नहा लेते हैं, नहीं तो ऐसे बहुत ज़्यादा गर्मी हो रहा है। रात को ही नहाए थे बट फिर भी नहा लेते हैं, ऐसे दोपहर का वीडियो दिखाएंगे, देखिएगा कितना ज़्यादा गर्मी होता है, बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ेगा। ऐसे अगर हवा नहीं लगेगा ना तो बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ेगा, बिकॉज धूप लगेगा, और धूप लगेगा हवा नहीं बहेगा तो बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ेगा, तो ऐसे दिखाएंगे। और इसको देख लीजिए, ये इधर लेकर आ गए खाने के लिए, वाह क्या है उसमें? भात। उसमें चावल है? हैं? दिखाओ तो। सुबह सुबह तुमको चावल कहाँ से मिल जाएगा? मैंने बना कर दिया। दिखाओ तो, दिखाओ, इधर आओ तो। आयुष क्या लियो, दिखाओ तो, दिखाओ। आई वाह, अच्छा पोहा लेकर आए हो, ताज यहीं खाओगे? खाओ, अभी हम बरस कर रहे हैं, बरस करके उसके बाद खाएंगे। मिर्चा क्यों खाए? नहीं ए बाबू, तुम्हारा स्लीपर कहाँ हुआ? टूट गया। टूट गया है? कहाँ है? अरे देखा है। बोलोगे झूठ?
उधर चौकी पे जाकर नहीं खा सकते हो? हैं? नानी के लगे रहोगे? ऐसे अभी तो पानी नहीं दिलाएगा ना भाई, ऐसे देखा जाएगा, दोपहर को पानी दिलाएगा, रात को पूरा ढलाई हुआ है तब। तो इतना टूट जाने से पूरा टूट गया चप्पल? अंदर से दुखा, अंदर से साथ हो जाता है, यह निकल जाता है। कहाँ निकल जा रहा है? पहनो तो, कहाँ निकल रहा है? थोड़ी देर चलेंगे तो चलेंगे तो बहुत नाटक हो गया है। नया चप्पल तो इसको पहले पहनो, दूसरा खरीदा जाएगा फिर। हाँ यहाँ पे बैठ के खाओ, हाँ यहाँ पे बैठो, उसके बाद खाओ, खाओ तो खाओ, खाइए ना। हाँ कहाँ पे? खाइए ना मामा। खाइए, हम खा जाएंगे, मिर्चा है ना, हम खा जाएंगे। इसमें मिर्चा छिपा के रखा है, देख रहे हैं? ये सब हमारे तरफ कर दिया, अपने तरफ वाले में मिर्चा नहीं रखा है। ये खाओ, खाओ खाओ, देखो हम सब मिर्चा खा जाएं, टीथ भी नहीं लेगा, देखना। अच्छा, हम लोग चिवड़ा खा रहे हैं लो, और उधर देख लीजिए, वाह वाह। अरे वाह, जाओ 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 जाओ, थोड़ा सा मिलेगा ही, जाओ। मिल गया, हाय वाह। केला मिल गया, हमारे लिए नहीं ले ना। रहने दो, हम ये खाएंगे, ये इतना खत्म होगा, खाओ तुम भी खाओ। चाय बनेगा मामा? चाय? आज चाय नहीं बनेगा, दूध आ गया। दूध आ गया तो क्या, चाय नहीं बनेगा, चाय पत्ती आ गया। नहीं बनेगा, नहीं बनेगा, नहीं बनेगा। देख रहे हैं अभी घर जाने के लिए रेडी हो रही है। वाह, अभी घर नहीं जाना है जी, अभी इधर आराम से चलो लो। अभी घर जाके क्या करोगी? मान रहे हैं थोड़ा सा धूप लग रहा है, बट अभी उतना धूप नहीं लग रहा है। इधर आओ, ओए 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 ओए, इधर आओ, इधर 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 इधर। हेलो, अभी भाग रही है। चलो आओ आओ, और थोड़ा देर चल लो, आओ। हाँ अभी इधर थोड़ा देर चल लो, उसके बाद तब घर चलना। हाँ जी, तो इधर कुछ इस तरह का रड पहले लगा देते हैं, इस तरीका से रड पहले सीधा कर देते हैं, इसमें पहले सीधा हो जाओ। हाँ जी, अब देखिए ये हो गया, इसके बाद इस पे, अरे वाह हो गया, अब नहीं भागेगी। ऐसे वहाँ पे ईंट से ठुकाता ना तो ईंट फूट जाता, बट ये लकड़ी है ना तो लकड़ी से अच्छा से ठुका जाता है। अरे वाह, चलो थोड़ा देर के लिए और। अब ये देख रही है हमको, और इसको क्या कहा जाए, ये तो अभी भी हमको मारती है। तो ऐसे रस्सी बड़ा है, इस सब की वजह से इसको भी हम इधर उधर कर देते हैं। और गर्मी, गर्मी तो क्या ही कहा जाए, देख रहे हैं कितना ज़्यादा पसीना हुआ है, बहुत ज़्यादा पसीना हो रहा है जी। ऐसे थोड़ा सा कुछ काम कीजिए ना तो पूरा पसीना पसीना हो जा रहे हैं। चलो तुम किधर जाओगी, इसको भी इधर बांध देते हैं थोड़ा देर के लिए। ये तो अभी चरेगी, इसका अभी टाइमिंग नहीं हुआ है, बट उन लोग को अभी देख रहे हैं कि धूप लग रहा है, उन लोग को ले जाना पड़ेगा। अब तो इस साइड की तरफ देखिए, तो ऐसे चढ़ पाइएगा लो आप लोग, ऐसे तो हम भी नहीं चढ़ पाएंगे, बट ये लोग ऐसे इस पे चढ़ कर इस पे से ताड़ी निकालते हैं लोग, उस पे से ऐसे ताड़ी निकलता है जिसे बहुत लोग पीते हैं लोग, हमारे ऐसे गाँव में बहुत लोग पीते हैं लोग, और जो गाँव से देख रहे होंगे उनको मालूम होगा कि इस पे से क्या निकल रहा है, उस पे से ताड़ी निकल रहा है। तो देख लीजिए जी, चढ़ गए उस पे, और ये जाएंगे पूरा उस पे ऊपर, और जो घैला टाइप का लग, देख लीजिए गर्मी से पूरा हालत खराब हो गया है। यहाँ पौधा के पास आ गए ना, तो यहाँ पे आप रुकिए, तो यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पे सुकून मिलता है। क्या कहा जाए पसीना को,
अभी सिर्फ उन लोगों को गए दूसरा जगह बांधने के लिए, उतना में ही पूरा हमारा बुरा हाल हो गया। 8 बजे इतना ज्यादा धूप लग रहा है, कोई भी पौधा के पास आप रुकिए ना तो वहाँ पर आपको हवा नहीं लगेगा तब भी आपको अच्छा लगेगा। ये जो प्राकृतिक हवा है ना, ये काफी अच्छा है, अगर कंपेयर किया जाए एसी से या पंखा से तो उससे बहुत अच्छा है। और यहाँ पर तो बहुत अच्छा लग रहा है, बट क्या कहा जाए, यहाँ पर हम रुक भी नहीं सकते हैं। अभी चलते हैं उधर, बाल्टी में पानी चला कर रख देते हैं ताकि उन लोगों को, अभी धूप भी लग रहा है तो पहले पानी चला कर रख देते हैं, उसके बाद उन लोगों को खोलेंगे। चला जाता है जी, पहले पानी चला जाता है। हाय गर्मी 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 गर्मी, कहाँ से आया इतना। ये देख रही है, तुम कहाँ जाओगी हैं? तुमको धूप लग रहा है ना, घर पे चलना है, इधर चरोगी तो समझ जाना। चलो इसको भी खोल दिए, अब देख रहे हैं ये कहाँ जा रही है। ये जाएगी जाएगी, आज घर जाएगी। वो लोग उधर जा रही है लो, और देख लीजिए इसको इधर चर रही है ये, और धूप से तो पूरा बुरा हाल हो गया है जी। देख रहे हैं इन दोनों को प्यास लगा, तो इधर पानी पी रही है लो, और ये आई वाह आ गई आ गई। हाँ तुम उधर का पानी पियो, इधर पानी नहीं है, आओ इधर आओ। इस पे भी ये खा सकती थी, बट अभी ये ढलाई हुआ है ना तो ये बांस अभी कच्चा है, हिल जाएगा तो फिर प्रॉब्लम होगा। इस सब की वजह से इस पे नहीं खिलाया जा रहा है, तो खा रही है लो, थोड़ा देर बाद ये भी खाएगी। पहले इन लोगों को खिला दिया जाता है, इन लोगों को नहलाने भी पड़ेगा, नहला कर उसके बाद इन लोगों को ले जाकर उधर पौधा के पास बांध देंगे, उसके बाद फिर हम खाएंगे। और अब देखा जाता है आगे का प्रोसेस, आगे क्या होता है। इन लोगों का तो डेली का काम है, डेली इन लोगों को लाइए बांधिए खिलाइए पिलाइए। ऐसे डेली हम ही नहीं खिलाते हैं, बट कभी कभी हम भी खिला देते हैं। ऐसा ही कुछ प्रोसेस अभी चल रहा है, पहले इन लोगों को खिलाइए उसके बाद खाइए, पहले इन लोगों को नहलाइए उसके बाद नहाइए। और गर्मी के बारे में बस इतना ही बोल सकते हैं कि इतना ज़्यादा गर्मी पड़ रहा है ना कि अभी 8:30 हो रहा है और 8:30 बजे भी बाहर निकलने का मन नहीं कर रहा है। ऐसे पौधा है, पौधा के पास रुकिए तो बहुत अच्छा आपको लगेगा, और ऐसे तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगा। तो कुछ इस तरीके का है, और इधर देख लीजिए इंक का जूस उसमें मिलता है, पहले हम इसको नहला देते हैं। नहाओ आराम से, अभी इधर तुम भी बैठो और तुम भी बैठो, माने दौड़ रही है देख लीजिए, और उसको देख लीजिए वो चरने में ही बिजी रहती है। आयुष आयुष का ही सबसे सही है। आयुष गर्मी नहीं हो रहा है इधर? नहीं गर्मी नहीं हो रहा है। आयुष क्या बनाया आज? खीर। अरे वाह, तो आज तो खीर खा रहा है। किस पे खा रहे हो आयुष? तुम खाओ, अभी हमको नहाना पड़ेगा, नहा कर उसके बाद हम खाएंगे। तुम्हारा ही सही, नहाए नहीं हो? नहीं नहाए हो? देख लीजिए इतना झूठ बोलता है, इतना झूठ बोलता है, क्या कहा जाए। सुबह में नहीं नहाए तुम? वीडियो किए हुए उसके बाद भी देख लीजिए। जब नहा रहे थे उसी समय अच्छा फील हो रहा था, बट नहा लेने के बाद अभी कपड़ा वो पहने तो थोड़ा सा टाइम हो गया, तो देख रहे हैं कि अभी फिर गर्मी होना स्टार्ट हो गया। इस साइड की तरफ देख लीजिए पंखा भी चल रहा है, बट देख रहे हैं कितना फास्ट चल रहा है, बहुत ज़्यादा फास्ट चल रहा है, और इसकी वजह से बहुत ज़्यादा हवा भी आ रहा है। आपको भी अच्छा से सुनाई नहीं देता होगा, हम समझ सकते हैं, बहुत ज़्यादा तेज चल रहा है, तो बहुत स्लो चलता है जी। इधर नीचे घर में देख लीजिए आयुष क्या कर रहा है। आयुष क्या कर रहे हो? अभी ये पढ़ रहा था, पढ़ाई हो गया। आयुष का इतना नाटक है क्या कहा जाए, तकिया पैर में लगा के उसके बाद गमछी से भी बांध कर सोता है, बट अभी गमछी से नहीं बांधा है, तो इसी तरह सोओगे? गमछी लाइए। नहीं गमछी रहने दो, उसका तुम्हारा क्या जरूरत है, तुम क्यों बांध कर सोते हो? इसका छोटका मामा ऐसे बांध कर सोते हैं ना, तो ये भी देखा देखी देख लीजिए बोल रहा है कि हम भी बांध कर सोएंगे, और काफी दिनों से देख रहे हैं कि ऐसा ही सोता है, तकिया डाल लेता है पैर में, उसके बाद फिर गमछी से भी इधर बांध है, बट अभी नहीं बांधा हुआ है, गमछी उधर बाहर की तरफ है इसलिए नहीं बांधा है। और देख लीजिए हमको कितना ज्यादा पसीना हो गया, ये बहुत ज्यादा गर्मी हो रहा है हमको, तो क्या कहा जाए। तुमको नींद लग रहा है कि क्या कर रहे हो तुम, ये बताओ? नींद लग रहा है? तो नींद नहीं लग रहा है तो पढ़ने बैठो। नींद लग रहा है, अपना वीडियो में देखिएगा। वीडियो में देखेंगे? हाँ।
थोड़ा सा सब्जी लिए हुए हैं, बट खीर बहुत ज़्यादा लिए हैं, बट इतना खा भी जाएंगे, बहुत समय हो गया जी। अभी का टाइमिंग 10:30 हो रहा है। वही वाह। हाँ जी, तो देख लीजिए अभी 3 बज रहा है और 3 बजे भी इतना धूप लग रहा है ना, क्या ही कहा जाए, बाहर निकलने का मन नहीं कर रहा है। अभी जस्ट सो कर उठे हुए हैं, ऐसे सो गए थे हम धूप में, तो कहीं जा भी नहीं सकते हैं। और अभी थोड़ा बहुत आपको एक आवाज़ सुनाई दे रहा था, अभी वो दिखा रहे हैं कि इधर बन रहा है चटनी, है ना भाई, चटनी बन रहा है ना, क्या होगा? अरे वाह जी वाह, आज खाएंगे लो चटनी और सतुआ। बहुत दिनों बाद, अभी तो सतुआ चटनी इस तरह खाए नहीं है हम, तो आज सतुआ और चटनी खाया जाएगा। देख लीजिए किस तरह बन रहा है। आम छिला गया है ना भाई, आम छिला कर उसके बाद ऐसे कूच दो, बस कूच के हल्दी ही डलाया है ना। अच्छा, लहसुन मिर्चा पहले से ही डला गया है। वाह जी वाह, आम छिलिए। और ये रहा सिलवट लोहरा, इसे हमारे तरफ सिलवट लोहरा बोला जाता है, इसमें मसाला पिसाता है, मसाला पीसने के लिए, और उसी पे कूच दीजिए तो मस्त, देख लीजिए वहाँ पे चटनी बन रहा है जी। और अभी गए थे उधर भैंस को बांधने के लिए दूसरा जगह ना, तो देख लीजिए हमको क्या मिला है, अभी वो तो दिखाया ही नहीं। देख रहे हैं कितना मस्त मस्त आम मिला है, एक आम हमको मिला ये वाला, और एक ये वाला आम माई को मिला है, और काफी मीठा भी लगता है। हम तो अभी खाए नहीं है, पिछली बार खाए थे तो बहुत अच्छा लग रहा था। अभी जो वो दिख रही है ना, वो थी यहाँ पे, तो फिर यहाँ से उसको ले जाकर वहाँ पे बांध दिए, तो वहीं गए उसको बांधने के लिए उधर, तो हमको एक आम मिला ये वाला, और ये वाला माई को मिला था। इस साइड की तरफ चटनी पिसा गया है और उसमें तेल डला रहा है हल्का सा, ताकि अच्छा लगेगा। और इधर देख लीजिए, इसमें मक्का और चना दोनों मिक्स है, और एक आपको दिखा रहे हैं इस साइड की तरफ, और एक इधर देख लीजिए, ये पहले पूरा फूल था, इसमें पूरा फूल चना का सिर्फ सतुई था, अभी देख लीजिए इतना सा हो गया है। और इसमें खीर बना था तो देख लीजिए, खाए गायब हो गया है ये इसमें का खीर, एक ही बार हम खाए हैं, एक ही बार में गायब। वाह, यही में दोनों आदमी के देख रहे हैं, इसमें दो आदमी खाएंगे लोग। वाह जी वाह, शाम का बिगाई आप नहीं खाइएगा, हम ही सिर्फ खाएंगे। अरे वाह, ये नमक अपना नमक इसमें डलाए, और हम अपना इधर एक बोरा बिछाएं, बोरा पे बैठेंगे और मस्त खाया जाएगा, है ना भाई। इस साइड की तरफ आम है और इस साइड की तरफ सतुआ है, आज सतुआ खा लिया जाता है। और थोड़ा हेयर स्टाइल देख लीजिए ना कैसे है, वाह जी वाह। क्या कहा जाए, सिर्फ कान कटा गया है, बस कान कटा गया, बाल कैसा भी कितना भी बड़ा हो कोई दिक्कत नहीं है। वाह, हमारे गांव के तरफ ऐसे पुराने लोग बहुत अच्छा से सतुआ खाते थे लोग, है ना भाई, सतुआ पे तो जमीन बेच देते थे लोग। और अभी सतुआ का कोई ज्यादा वैल्यू नहीं है, ऐसे नया नया लड़का सतुआ भी ज्यादा नहीं खाते हैं लोग, अभी तो बहुत कुछ खा रहे हैं लोग, चाउमीन खा रहे हैं लोग, रोल खा रहे हैं लोग, बर्गर खा रहे हैं, पिज्जा खा रहे हैं, है ना भाई, पहलवान होता लोग। अरे वाह जी वाह, देखिए तो माई हमारी बोलती है, वाह। सतुआ खाइए, ये सेहत के लिए भी सही रहेगा, चना का और मक्का का सतुआ है। इस साइड की तरफ सतुआ सान दिए अपना, इस साइड की तरफ हल्का सा चटनी लिए हैं, और इधर देख लीजिए प्याज भी कटिंग हो गया है। फोन टू हॉट रिकॉर्डिंग विल बी स्टॉपेज, आई वाह, हमारा फोन गर्म हो गया तो देख लीजिए बंद हो रहा है। तो फाइनली जी कैमरा चालू हो गया, उससे पहले तो कैमरा चालू नहीं हो रहा था, और देख लीजिए इतना सतुआ खाने में हालत खराब हो रहा है, ये पका हुआ आम को छीले तब जाकर आप खा जाएंगे लग रहा है, नहीं तो ऐसे प्याज और चटनी से तो हमसे नहीं हो पा रहा है। बट आम जो भी कहिए, आम बहुत अच्छा है, बहुत मीठा लग रहा है, ऐसे उस दिन जो आम लाए थे लो महाराजन से उस तरह नहीं है, तो ये पेड़ पका आम है ना, उसी पे पका हुआ है, तो इसलिए बहुत अच्छा लग रहा है, खुद से पका है, खुद से गिरा है, तो बहुत अच्छा लग रहा है जी। थोड़ा सा इधर से खाए हैं, ऐसे फिर खा लेते हैं, गजब का मीठ लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा। ये भी आम का चटनी है, ये प्याज है, ये पका हुआ आम है, ये सतुआ है, और सब चटनी इधर बचा हुआ है जो कि हम नहीं खा पाएंगे, और ये आप लोग आकर खा जाइएगा लो, घर का एड्रेस तो मालूम ही होगा किधर है। आम ऐसे ही में बहुत मीठ लग रहा है, मजा आ रहा है तो आम खाने में। ओकरा मखन कोनो में ना बुझे, छोटा वाला आम खूब चपल बने ला, अचारो ठीक हो ला ओकर, देख रहे हैं कितना मस्त लग रहा है। यही तो है, पेड़ पर आम आप पका हुआ खाइएगा तो बहुत अच्छा लगेगा, और ये तो कोई स्पेशल में बहुत मीठ लग रहा है। इधर हम खा रहे हैं इसको, इसको देख लीजिए कौन खा रहा है, देख रहे हैं
खाओ खाओ खाओ, तुम भी खा लो, बहुत मीठा है, तुम भी खा लो। जी खाना कंप्लीट हो गया है, और अभी खाना कंप्लीट नहीं हुआ है, बहुत पहले से खाना कंप्लीट हो गया है। और पता है क्या कहा जाए, बहुत कुछ काम भी हो गया है। ऐसे जब खाना खा रहे थे उस समय फ़ोन ओवरहीट हो रहा था, उसके वजह से कैमरा बंद हो गया था, और उसके बाद तब फिर पापा फ़ोन कर दिया, ऐसे वीडियो कॉलिंग पापा फ़ोन कर दिए, तो फिर पापा से बात करने लगे लो, और उसमें भी काफ़ी समय लग गया। और उसके बाद भैंसों को बांधना था, वो भी बांध दिए लो, और ये सब करने में बहुत लंबा समय लगा, बट सबका वीडियो हम नहीं कर पाए। जो हमारा फ़ोन है ना, फ़ोन की वजह से बहुत प्रॉब्लम हो रहा है, बहुत ज़्यादा ओवरहीट हो जा रहा है, और ओवरहीट हो जाने की वजह से कैमरा चालू नहीं हो रहा है। नहीं तो कैमरा चालू होता तो बहुत अच्छा अच्छा आपको दिखाते, बट क्या किया जा सकता है जी, ऐसे गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रहा है ना, तो गर्मी की वजह से कैमरा ही चालू नहीं हो रहा है। पूरा इधर पानी छीट दिए हैं पूरा, इसी पे देख लीजिए चटनी बना था और ये ऐसे ही रखा गया है, उसके बाद भी इस पे पूरा पानी छीट दिए हैं। इधर इस घर में भी पूरा पानी छीट दिए हैं, और इस घर में भी पूरा पानी छीट दिए हैं। देख रहे हैं पूरा मोटर के पाइप से पूरा घर में भी पानी छीट दिए हैं, ऐसे पूरा आलू ऐसे भीग गया है। कोई बात नहीं जी, गर्मी बहुत ज़्यादा हो रहा था। और इधर देख लीजिए, अभी तो इधर पानी लगा हुआ है, पूरा पौधा के ऊपर भी पानी छीट दिए हैं, बहुत ज़्यादा पानी छीटे हैं, बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रहा है ना, इस सब की वजह से इधर पूरा पानी छीट दिए हैं। और ऐसा नहीं है कि इधर पानी छीटा गया है तो अब काम नहीं है, अभी भी काम है, इधर पानी छीटा गया है, बट जो छजा ढलाई हुआ है उस पर तो पानी नहीं दिया गया है, ऐसा सुबह में दिलाया है बट अभी नहीं दिलाया है, तो अभी फिर उस पर पानी देना है। अब इस पाइप को उधर ले चलते हैं, उस साइड की तरफ ऊपर चढ़ेंगे और ऊपर पानी देंगे। थोड़ा सा इधर पानी चला, देख लीजिए लाइन भी कट गया, वाह, बट कोई बात नहीं, फिर थोड़ा देर बाद आ जाएगा लाइट, ऐसे ही छोड़ देते हैं इसको। अभी जस्ट चढ़े हैं, देख रहे हैं थोड़ा सा इस पर पानी छिटाया, बट फिर क्या कहा जाए, लाइन ही चला गया। ऐसे पूरा इस पर पानी देना पड़ेगा, सुबह में हम नहीं दिए थे पानी बट दिलाया था इस पर पानी, विशाल दिया था पानी, बहुत पहले से लाइन था, तो ऐसे भैंसों को भी धो दिया लोग, उसके बाद इधर भी पूरा पानी छीट दिए। और इस पर चढ़े पानी देने के लिए तो उस साइड की तरफ थोड़ा सा पानी दिलाया, उसके बाद लाइट ही चला गया। कोई बात नहीं, थोड़ा देर बाद फिर लाइट आएगा तो फिर पानी दिलाएगा, तो कुछ इस तरीका से रहा। और क्या कहे जी, आज दोपहर में खाए हैं सतुआ, सतुआ प्याज और चटनी, आम का चटनी, मज़ा आ गया। और एक आज पका हुआ आम भी खाए हैं, जो कि इस पेड़ पे से पका हुआ आम मिला था, तो शुक्रिया जी, इतना अच्छा अच्छा आम मिल रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। एक आम खाए हैं ना, बहुत मीठा लग रहा है और बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसे कल खरीद कर लाए थे लो ना महाराजन से, उसके कंपेयर में बहुत अच्छा लग रहा है। जो आप मार्केट से जाकर खरीदते हैं और उसके बाद जो पौधा पर से पका हुआ आम गिर रहा है, उसमें बहुत फर्क रहता है। अब इंतजार हो रहा है लाइट का, लाइट आ गया, आई वाह, देख लीजिए, तो बोल रहे थे ना लाइट आएगा, थोड़ा देर बाद ही देख लीजिए लाइट आ गया, लाइट तो बहुत अच्छा रह रहा है जी, लाइट आ गया। इधर पानी भी जा रहा है, पहले इधर पानी दे दिया जाता है और इसको देने के बाद उधर तो ऐसे लास्ट में दिला जाएगा, अकेले ही पानी नहीं दे रहे हैं, देख लीजिए उस साइड की तरफ माई भी पानी देने के लिए आ गई है, और आयुष ऐसे नहीं है, आयुष भी नहीं है और विशाल भी नहीं है, वो दोनों गया है लोग खेलने के लिए, और देख लीजिए हम अपना ड्यूटी कर रहे हैं। आयुष तो माई बहुत पहले से गया है ना, आयुष को तो क्या कहा जाए, 3 बजे उठे थे, उससे पहले ही वो चला गया है, 2:30 बजे के लगभग में वो गया है खेलने के लिए, अभी तक नहीं आया, वो आएगा शाम को, ऐसे ट्यूशन रहता तो आता बट ट्यूशन उसका है नहीं, तो आएगा शाम को ही। पूरा इस साइड से लेकर पूरा यहाँ तक ले, इधर पूरा पानी दे दिए हैं, पूरा इस पे पानी दिला गया है, तो अब ऐसे रात को पूरा अच्छा तरीके से सेट करेगा। ऐसे सुबह में भी पानी दिलाया है बट दोपहर में बहुत ज़्यादा धूप लग रहा था, पूरा पसीना हो रहा है, गर्मी तो हो ही रहा है, ऐसे नहाए हैं उसके बाद भी गर्मी हो रहा है। यहाँ पे तो पानी दिला गया है, अब यहाँ से उतरते हैं, उसके बाद अब उसके बाद क्या किया जाएगा। उसके बाद इधर पपीता है, पपीता खाइएगा लो, बट ये किया, इस पे तो पपीता नहीं है, उस पे है, उस साइड की तरफ ढका गया है, उस पे पानी दे रहे थे तो पूरा पसीना पसीना हो गया था, बट अभी तो बहुत अच्छा है, अभी सही है जी, इस तरह मौसम रहता तो सही रहता, ऐसे ज़्यादा हवा भी नहीं है और कम भी नहीं है, नॉर्मल सा है, ऐसे इससे भी थोड़ा बहुत राहत है, ऐसे पूरा अच्छा सा तो नहीं है बट इससे भी है, इतना भी रहेगा तो काफ़ी बेहतर है। तो जी बस अभी आयुष भी नहीं आया है और ना ही विशाल आया है, ऐसा कोई नहीं आया लो, वो लोग आएगा लो पूरा रात को, ऐसे जब शाम हो जाएगा ना तब आएगा लो, तो क्या ही कहा जाए। अभी थोड़ा बहुत अपना जो काम था वो काम कंप्लीट हो गया, अभी बोल रहे थे कि आयुष नहीं आएगा, ऐसे आएगा रात को, बट देख लीजिए अभी आ रहा है, थोड़ा बहुत आपको दिखा रहे हैं, उधर देख लीजिए आयुष को, अरे वाह वो भी देख लिया। आयुष कितना बजे से तुम गए हो, आ जाओ आ जाओ आ जाओ इधर आ जाओ आ जाओ, हम तुम्हारा हिसाब कर रहे हैं, आओ आ जाओ आ जाओ। होमवर्क कंप्लीट हो गया है तो होमवर्क कब बनेगा, इधर आओ इधर आओ, इस पे पानी देना था तो बताओ, हम खुद से मोटर चालू कर रहे हैं, पानी दे रहे हैं, तो मोटर कौन चालू करेगा,
चलो चलो करिए। नहीं हो गया, पानी दिला गया, चलो नहीं। पानी दिला गया, चलो अब चलो पहले पैर धोओ उसके बाद होमवर्क कंप्लीट करो। खेल रहे थे, खेल रहे थे। क्या खेल रहे थे? आयुष, आयुष दूध लेकर आ गया, तो ये काम अच्छा है जी। चलो ये काम सही कर दिए हो, इसको इधर रख देते हैं, इधर रखा गया है। आयुष अब क्या बोलोगे, पढ़ने जाओगे? पैर भी अच्छा से नहीं धोए हुए, ओए पैर अच्छा से धोए, देखो तो। फिर बेड पे चढ़ोगे तो गंदगी नहीं लगेगा, देखो तो गंद है। कहाँ धोए हो? अब क्या धोए, सब ये पूछवा दे। कहाँ पे पूछवाओगे? हनुमान जी के मंदिर है, मंदिर तो कहाँ ना, मंदिर तो शंकर जी के मंदिर तो धोए हो है, तो वहाँ से आए हो तो गंदगी नहीं लगा? सोच चलो, है ना, ये पता है किसका है, ये हम लोग का है, यानी ये मान लीजिए हमारा है। जब छोटे थे ना तो इसी पे सोते थे लोग, तरीका से रहा। और ये बचपन में का है, जो ऐसे गांव से देखते होंगे लो ना, उन सबको मालूम चलता होगा। जैसे जब छोटे छोटे रहते हैं लो ना, उस समय में इस पे छोटा छोटा बच्चा सबको सुलाया जाता है, उससे तेल लगाया जाता है और इसी पे छोड़ा जाता है। बचपन में का अभी तक है, यहाँ पे संभाल कर रखा गया है। जैसे गांव है ना, तो गांव में ये सब रहता है। ऐसे शहर नहीं है कि हाँ जगह कम है, पूरा सामान इधर उधर ले जाकर फेंक दिए या डस्टबिन में डाल दिए। बहुत सारा बचपन का भी सामान रहता है जो कि यादें जुड़ी रहती है। अभी क्या क्या आपको दिखाएं, बचपन का कपड़ा भी है हमारे पास। जब छोटा छोटा थे लो ना, 3-4 साल का, उस समय का भी मेरे पास कपड़ा है। और एक चौकी भी है जिसपे सोते थे लो जब छोटा छोटा थे लो, तो समय का। बट अभी वो नीचे घर में रखा गया है, उसे उस पर सामान भी रखा गया है। तो इस तरीके का है कुछ, ऐसे ही नीचे घर में सामान नहीं है, बहुत सारा उसमें पुराना पुराना चीज रखा गया है। इस सब की वजह से बहुत ज्यादा है। 3 बजे से ये गया है खेलने के लिए, और अभी इसे गिना रहे थे कि हाँ कितना घंटा खेले हो, तो बोल रहा है का 3 घंटा बोल रहा है, थोड़ा सा खेले हैं, ज्यादा नहीं खेले हैं। 3 घंटा इसको टाइम मिला है, उसके बाद भी देख लीजिए बोल रहा है थोड़ा सा खेले हैं मामा, ज्यादा नहीं खेले हैं। ज्यादा नहीं खेले हो? 3 घंटा कम होता है? 3 घंटा कभी पढ़ने बैठे हो? कब पढ़ने बैठे हो 3 घंटा? कब? एक दिन 3 घंटा उस दिन पढ़ने बैठे थे? बोलोगे झूठ? 1 घंटा ज्यादा ज्यादा पढ़ने बैठते हो तुम? 2 घंटा पढ़ने बैठे हो कभी? बैठे हो 1 घंटा? इसको बहुत जब बोलते हैं ना, उसके बाद 1 घंटा पढ़ने बैठता है, वो भी रो रो कर पढ़ने बैठता है। रोते हो ना? ना बोलोगे झूठ? चलो लिखो लिखो। अभी इसका कल से स्कूल भी चालू होने वाला है, और अभी तक होमवर्क कंप्लीट नहीं किया हुआ है। और इसका राइटिंग देखिए ना, कितना अच्छा से लिख रहा है, देख रहे हैं? देखिए देखिए, हाँ देखिए, क्या ये अच्छा से लिखे हो। बट एक बात है गाइस, ऐसे 2-3 घंटा आयुष खेलता है ना, ऐसा नहीं है कि हाँ खेलता है उसके बाद फिर आकर फोन चलाता है। पता है आयुष ऐसे फोन भी ज्यादा नहीं चलाता है। आयुष फोन चलाते हो? है फोन नहीं ना चलाते हो? हमको नहीं लगता है कि 1 दिन में 1 घंटा भी फोन चलाता है, 1 घंटा के आधा घंटा भी नहीं चलाता है जहाँ तक हम देखते हैं। ऐसे फोन कहाँ मिलता है, हमारा फोन है तो हम देते ही नहीं है ज्यादा, और उसके बाद एक विशाल का फोन है तो वो भी ज्यादा नहीं देता है। तो इस तरीके का है कुछ, बट कोई बात नहीं जी, फोन नहीं चलाता है तो ऐसे खेलता है, तो खेलता है तो सही है जी, अच्छा से खेलता है, सभी बच्चा सबके साथ में जाकर खेलता है तो सेहत भी सही रहेगा। ऐसे फोन को क्या ही कहा जाए, फोन कोई सही थोड़ी है। तो इस तरीके का है कुछ, बट कोई बात नहीं, ऐसे आगे चलकर तो ऐसे फोन मिल ही जाएगा, बट जो बचपन का लाइफ है वो नहीं ना मिलेगा। तो इससे अच्छा पहले ये पूरा अच्छा तरीका से खेले और पढ़े, फोन तो आगे चलकर इसको मिल ही जाएगा। तो बस इस ब्लॉग को यहीं पे इन करते हैं। देख लीजिए अभी पसीना भी हो रहा है, क्या कहा जाए, गर्मी तो बहुत ज्यादा पड़ रहा है। तो इस ब्लॉग को हम इन करते हैं। आई होप आप लोगों को ये ब्लॉग पसंद आया होगा, पसंद आया हो तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, एंड चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं एक न्यू ब्लॉग में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो, बाय गाइस। हम वीडियो बना रहे थे तो देख लीजिए ये पढ़ने बैठा है, क्या कहा जाए इसको। लिखो लिखो, होमवर्क पहले कंप्लीट करो।